गुड इवनिंग। आज फिजिक्स 11 क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा, आयतन प्रसार गुणांक गामा, ये होता है डेल एयर अपान एल इंटू डेल टी, और ये डेल ए अपान ए इंटू डेल टी, और ये होता है डेल वी अपान वी इंटू डेल टी, है ना। आज इनको पढ़ना है। हमारा पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं अल्फा और बीटा में संबंध है, बताया जा चुका है। आज का जो मेरा टॉपिक इसमें है वो अल्फा और गामा में संबंध, यानी रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। तो आज का टॉपिक है रेखीय प्रसार गुणांक एवं आयतन प्रसार गुणांक में संबंध, यह है आज का प्रश्न, यानी अल्फा और गामा में संबंध। यह है प्रश्न, अल्फा और गामा में संबंध, ठीक है। अल्फा और बीटा में संबंध के लिए आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं। तो रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध, ये आपको आना चाहिए। इसको रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, इसको क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं, इसको आयतन प्रसार गुणांक। यह है लंबाई में परिवर्तन, यह है प्रारंभिक लंबाई, ये है क्या, ताप में वृद्धि, समय नहीं है, ताप में वृद्धि। ये क्षेत्रफल में परिवर्तन, प्रारंभिक क्षेत्र। आयतन में परिवर्तन, प्रारंभिक आयतन, ये ताप में वृद्धि, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेखीय और आयतन में संबंध लाना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक घन के आकार की वस्तु ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक घन के आकार की वस्तु, ठीक है। ये एक वस्तु है, किस आकार की है, घन के आकार की है। किस आकार की है, घन के आकार की। और इसके टी डिग्री सेल्सियस पर इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, एल है। कितनी है, जब इसके ताप को हम बढ़ा देते हैं, जब इसके ताप को बढ़ाते हैं, जब इसके ताप को बढ़ाएंगे तो इसकी जो लंबाई होगी वो बढ़ेगी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन प्रसार होगा, है ना। तो लंबाई भी बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो यानी टी डिग्री सेल्सियस पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वैसे भी घन है तो हर भुजा बराबर है ना होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है, एल। और टी प्लस डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस पर ये सब क्या हो जाती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, एल प्लस डेल्टा एल, सीधे सीधे ये समझ लो। जब टी डिग्री सेल्सियस है तो लंबाई क्या है, और जब इसका टेम्परेचर क्या कर दिया जाएगा, तो ये एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है। अब पूरे साइड में चित्र बनाना पड़ेगा, हम चित्र बना नहीं रहे, समझाए या दे रहे हैं, समझ लो। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, एल है, और जब ताप बढ़ा देंगे तो प्रसार होगा, तो लंबाई क्या हो जाएगी, एल प्लस डेल्टा। अब हम चारों तरफ नहीं बना रहे हैं, आप समझ लो कि टी डिग्री सेल्सियस पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, घन की चारों भुजाएं, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है, है ना। प्रत्येक फलक की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो ये हो गया टी प्लस डेल्टा टी सेल्सियस पर लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या हो गया,
एल प्लस डेल्टा, समझ रहे हैं ना। चित्र भी बनाया जा सकता है तो बहुत भीड़ लगाने की क्या ज़रूरत है, नहीं आप इसको भी एल प्लस डेल्टा एल, 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 इसको भी, तो समझ लीजिए कि 3 डिग्री सेल्सियस पर घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, एल है, चाहे वो लंबाई हो चौड़ाई ऊंचाई हो चाहे चौड़ाई हो, एल है। और टी प्लस डेल्टा टी डिग्री कर दिए तो प्रत्येक की मान कितना हो गया, एल प्लस, ठीक है। तो ये घन के आकार की वस्तु की बात की है, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा की उब्ड, है ना। आप प्रत्येक भुजा की लंबाई बोल सकते हो, प्रत्येक भुजा एल, और इसमें प्रत्येक भुजा क्या है, प्रत्येक भुजा क्या है, एल प्लस, ठीक है ना। प्रत्येक भुजा एल, इसमें प्रत्येक भुजा एल प्लस डेल एल, ठीक है ना। इधर दिख रहा है, अब लिखते हैं। चलिए मान लिया एक घन के आकार की वस्तु है जिसका 3 डिग्री सेल्सियस पर मान लिया एक घन के आकार की वस्तु है जिसकी जिसका टी डिग्री सेल्सियस पर प्रत्येक भुजा की लंबाई एल है, और टी प्लस डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस पर भुजा की लंबाई बढ़कर एल प्लस डेल हो जाती है। तो प्रारंभिक आयतन भी बराबर एल क्यूब्ड, ए प्लस बी का होल क्यूब्ड, क्या किया हमने, प्रारंभिक आयतन किसका, घन का, घन का प्रारंभिक आयतन तो भुजा क्यूब्ड हो गया, तो भुजा क्यूब्ड यानी एल क्यूब्ड। और अंतिम आयतन तो भी प्लस डेल्टा भी बराबर भुजा अंतिम में एल प्लस डेल्टा एल है, तो एल प्लस डेल्टा एल का क्यूब्ड, यहाँ सारी क्यूब्ड है, क्यूब है यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब्ड, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, है ना, ये हो गया, क्योंकि डेल एल डेल एल अत्यंत सूक्ष्म राशि है, आता है डेल एल स्क्वायर तथा डेल एल क्यूब्ड की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा कर दीजिए तो क्या आएगा, वी प्लस डेल्टा भी बराबर थ्री एल स्क्वायर डेल एल, थ्री एल स्क्वायर डेल एल, थ्री एल स्क्वायर डेल एल बचेगा, डेल एल क्यूब्ड वाला भी चला गया और डेल एल स्क्वायर वाला भी चला गया, ठीक है ना।
डेल एल क्यूब्ड वाला भी डेल एल स्क्वायर वाले की उपेक्षा हो गई, तो ये पद गायब हो गए पूरे, ठीक है ना। तो ये बचा कौन, सर यहाँ पर एट ये भी तो बचा ना, ये भी बचेगा ना, वी प्लस डेल्टा भी बराबर एल क्यूब प्लस, ये वी प्लस डेल्टा भी बराबर एल क्यूब प्लस थ्री एल स्क्वायर डेल्टा एल बचा, और डेल एल स्क्वायर और डेल एल क्यूब्ड वाले जो पद हैं वो उनकी उपेक्षा हो गई, ठीक है। ये है प्रारंभिक आयतन, ये क्या है अंतिम आयतन। अब आयतन में वृद्धि या आयतन में परिवर्तन, तो इसमें इसको घटा देते हैं, लिखिए तब आयतन में परिवर्तन डेल्टा भी बराबर, इसमें इसको हटा देते हैं, एल क्यूब प्लस थ्री एल स्क्वायर डेल एल माइनस एल क्यूब्ड, ये इससे थ्री एल स्क्वायर डेल एल डेल्टा भी बराबर। आयतन प्रसार गुणांक गामा बराबर डेल्टा भी बटे भी इंटू डेल्टा टी, आयतन प्रसार गुणांक गामा बराबर डेल्टा भी अपान भी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा भी का मान कितना, थ्री एल स्क्वायर डेल्टा एल, और इसका एल क्यूब्ड डेल्टा टी, ये इससे कैंसिल, थ्री डेल एल अपान एल डेल्टा टी, ये क्यूब से ये कट जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक, शब्दों में क्या कहोगी, आयतन प्रसार गुणांक बराबर तीन गुणे रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है ना, तो ये हो गया रेखीय प्रसार गुणांक एवं आयतन प्रसार गुणांक में संबंध, ठीक है ना। अब यदि ये कह दिया जाए कि अल्फा बीटा गामा तीनों में संबंध, अल्फा बीटा गामा तीनों में संबंध, तो पहले इन दोनों का आना चाहिए, फिर इन दोनों का आना चाहिए, फिर दोनों की हेल्प से तीनों का, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए प्रश्न हम लिखते हैं, यदि मान लीजिए ऐसा लिखा है अल्फा बीटा गामा में संबंध, ठीक है, तो पहले आपको ये दोनों आना चाहिए, फिर ये दोनों आना चाहिए, अल्फा बीटा में संबंध हो अल्फा, फिर तीनों का इकट्ठा है, ठीक है।
तो इसके लिए आपको दोनों आना चाहिए, है ना। तो इस लेक्चर में आपने अल्फा और गामा में संबंध देखा ही, अब पीछे आप लेक्चर में देख सकते हो कि अल्फा बीटा में क्या संबंध होता है, उसका भी वीडियो बना हुआ है। अब हम दोनों को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, यानी क्या लिखेंगे, हम जानते ये हैं कि बीटा बराबर 2 अल्फा होता है, बीटा बराबर 2 अल्फा तथा गामा बराबर 3 अल्फा। तो समीकरण 1 व 2 से अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इक्वल टू 1:2:3 है। देखना अल्फा बीटा का संबंध क्या होगा, 1/2। अल्फा बीटा का क्या होगा, अल्फा अनुपात बीटा यदि करेंगे तो 1/2 होगा, ठीक है। इससे अल्फाते गामा करेंगे तो 1/3 होगा, होगा कि नहीं। और यदि इन दोनों को भाग कर देते हैं, दोनों का एक दूसरे से भाग कर दे, बीटा अनुपाते गामा लाएं, क्या लाएं, बीटा अनुपाते गामा, इसका मतलब वो भाग करते हैं तो अल्फा अनुपाते बीटा भागे अल्फा अनुपाते गामा तो 1/2 अनुपाते 1/3। तो ये अल्फा से अल्फा तो गामा अनुपाते बीटा बराबर 3/2। तो बीटा अनुपाते गामा बराबर क्या आया, 2/3। अब देखो अल्फा अनुपाते बीटा कितना, अल्फा अनुपाते बीटा बीटा अनुपाते गामा और अल्फा अनुपाते गामा, ठीक है ना। तो अल्फा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा की यदि बात करें तो 1/2 अनुपाते 3 आएगा। इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है कि नहीं, इसका 1/2 1/2, इसका 2/3, इसका तो इकट्ठा लिख दिए तो अल्फा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा इक्वल टू ये। जब ये इकट्ठा आएगा तो पहले इसको लाओगे फिर इसको लाओगे फिर एक साथ लिखोगे, वो तो हमने इकट्ठा बता दिया है ना। तो पीछे लेक्चर में ये प्रूफ है, ये अभी अभी हमने बताया है, ठीक है ना। तो जब अल्फा बीटा गामा तीनों का संबंध आप ऑब्जेक्टिव टाइप में नीट जेई तक में अल्फा अनुपाते बीटा कितना होगा पूछ दिया, कहीं दिक्कत है, अल्फा अनुपाते गामा कितना है ये हो गया, बीटा अनुपाते गामा कितना है ये हो गया, गामा अनुपाते बीटा तो 3/2 हो गया। तो ये सब याद रखना, ठीक है। इस प्रकार और भी वीडियो और भी टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो नए वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।